हमारे ठिकाने लगाएगी, जहां से आए वहीं भेजोगे। उज्जैन में होने वाले विकास के काम में अड़ंगा लगाओगे। तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया है, तुम्हारी औकात यह है। ये विवादित बयान शिवराज के मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी मोहन यादव ने दिया है, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल एमपी में विधानसभा चुनाव के चलते उज्जैन दक्षिण के बीजेपी कैंडिडेट उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी एक सभा में अपना आपा खो दिया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कुछ ऐसे बिगड़े बोल बोल दिए, जिससे वह पूरे शहर में एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। तुम्हारे पते नहीं लगेंगे, पते जहाँ से आए वहाँ जाओगे। तुमको चार चार बार उज्जैन की जनता ने धूल चटाई है, अभी भी तुम्हारी औकात ठिकाने नहीं आई है। तुम्हारे लक्कू भक्कू आगे पीछे घूम रहे हैं। ये मुंह और मसूर की दाल, जिनने जीवन में उल्टे सुलटे काम के अलावा रास्ता नहीं देखा, गुंडागर्दी के अलावा कोई जानते नहीं हो, आज भले बन के बगला बगल बन के आए हो, जनता तुमको छोड़ने वाले नहीं है, तुम्हारे ठिकाने लगाएगी। मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि सुन लो रे कांग्रेसियों, तुम्हारी औकात ही क्या है, अभी भी तुम्हारी औकात ठिकाने नहीं आई। उज्जैन में होने वाले विकास के काम में अड़ंगा लगाओगे, तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे ठिकाने लगाएगी, जहाँ से आए वहीं भेजोगे। उज्जैन में होने वाले विकास के काम में अड़ंगा लगाओगे, तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया है, तुम्हारी औकात यह है। बाबा महाकाल के मंदिर का माइक बंद कराओगे, अरे बाबा महाकाल तुमको छोड़ने वाला नहीं है, जहाँ से आओ वहीं गाड़ देंगे। कोई भाषण सुनकर मंच पर बैठे और सामने खड़े लोगों ने भले ही तालियां बजाई हो, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद इनके ही शहर और यादव समाज में इनकी भरी निंदा हो रही है। हर एक की जुबान पर बस यही बात है कि उच्च शिक्षा मंत्री जैसा व्यक्ति इतनी अभद्र और अशोभनीय भाषा का प्रयोग आखिर कैसे कर सकता है।